अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं आज जल्दी उठ गई थी और साथ में मेरे बेबी को भी उठा रही थी धीरे धीरे, क्योंकि आज हम कहीं जाने वाले हैं। वैसे मेरा बेबी का ये पीक टाइम रहता है नींद का, फिर भी मुझे आज उसको उठाना पड़ा और वो भी उठ गया था। देन सबसे पहले मैंने उसका डायपर चेंज किया। मैं हमेशा 2 to 3 hours में डायपर चेंज कर देती हूँ और सिर्फ नाइट में ही डायपर का यूज़ करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियोनिक व्लॉग्स एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई एम प्रियंका। सो गाइज, आज है 12th June और जैसे कि आज बंगालीज का एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, तो सोचा कि मैं व्लॉग करूँ। बहुत टाइम हो गया आफ्टर डिलीवरी बेबी के साथ में, व्लॉगिंग मेरा अभी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। और आज जैसे कि 12th June वो है आज जमाई षष्ठी। तो बेसिकली जेठ का महीना स्टार्ट हो गया है हमारे बंगाली में, ज्योष्ठ मास बोलते हैं। जैसे कि जेठ के महीने में 6th day में ये ओकेजन आता है, जमाई को थाली वगैरह बना करके खाना खिलाना होता है, जो कि मेरी मम्मी सेलिब्रेट करती है। और ये हमारा 3rd year है, 2 साल इससे पहले नई नई शादी हुई थी तब से उन्होंने जब स्टार्ट किया है। और लास्ट ईयर हम इसी टाइम पे कलकत्ता में थे और वहाँ सेलिब्रेट हुआ था। बहुत ही याद आ रहे हैं वो मोमेंट्स भी। तो गाइज, जैसे कि मैं नहा धो के तैयार होने के बाद मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया और साथ ही मैं यहाँ पर मैंने कर लिया है बेबी की, ओनली बेबी की सारी पैकिंग। हाँ, आज जैसे कि वेडनेसडे है तो निक्का तो ऑफिस है, तो वो चला जाएगा ऑफिस और उससे पहले हमें ड्रॉप कर देगा मेरी मम्मी के घर पे। तो हम आज पूरा दिन वहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे और शाम को आएगा, देन हम सेलिब्रेट करेंगे एंड देन हम लोग वापस आएंगे के साथ। तो गाइज, क्या क्या होता है आज के दिन में, वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में, बने रहिए व्लॉग में। निकल पड़े हैं हम मेरे घर जाने के लिए। मिलवाती हूँ आपको आज के हमारे जमाई से, जिनका आज षष्ठी है। नोनी जी भी जा रहे हैं हमारे साथ। ये हमारे जमाई, ये हमारे नोनी जी और ये हम जा रहे हैं अपनी पार्टी करने के लिए। बेसिकली आज के दिन यही सब होता है, हंसी मजाक, मिलना इसी बहाने मिलना और खाना पीना, मौज मस्ती, छोटी छोटी खुशियां हैं ये लाइफ की। जो ऐसे ओकेजन आते हैं तो हमें सेलिब्रेट करने को मिलता है। लग रहा है कोई ना और इतनी सारी पैकिंग इसकी करनी पड़ी है, मतलब कुछ घंटों के लिए हम रहेंगे और इतनी सारी चीजें पैकिंग करनी पड़ी है। बेड लो, तकिया लो, वाइप्स और क्या कहते हैं डायपर तो कॉमन चीज है, साथ में बहुत सारी चीजें और भी, 2 जोड़ी कपड़े, नैपीज, बहुत कुछ पैक करना पड़ा है। सो गाइस, पहुंच गई मैं अपने घर पे और देख सकते हो आप मेरे अधनंगे की बोले अधनंगे हाँ अधनंगे भाई से भी मिल सकते हो। ये बेचारा सो गया था और इसको जबरदस्ती मम्मी ने पुच्छी ले लेके उठा दिया। सोते हुए आया था बेचारा, अभी उठ चुका है। खेली खेली कर रहा है अपने मामू के साथ। ये धागा पता है मैंने क्यों रखा हुआ है, इसको हिचकी आ रही थी तो मम्मी ने बोला कि अपने कपड़े का धागा रखना चाहिए, जैसा उन्होंने मतलब मेरी नानी ने मम्मी के साथ में किया था, तो वही एक्सपीरियंस उन्होंने मेरे साथ में भी शेयर करा और इसके सर पे हमने इस तरीके से एक धागा रख दिया। थोड़ी देर में मैंने देखा हाँ मिरेकल हो गया, इसकी हिचकी बंद हो गई। आज मैं यहीं पर ही सबसे पहले लंच करने वाली हूँ, उसके बाद शाम को जैसे ही निक आएगा ऑफिस से उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे अपना आज का दिन, जमाई षष्ठी का दिन। हेलो मम्मी, प्याज काट रही है। तो यहाँ हो चुकी है तैयारियां स्टार्ट, देख सकते हैं आप। जैसे कि जमाई षष्ठी का स्टार्ट हुआ है ब्रेकफास्ट से, मतलब चाय मैंने सुबह पी ली थी, इसके बाद अब बारी है ब्रेकफास्ट करने की। तो भाई ने मंगाया है सबवे का बर्गर, क्योंकि मुझे खाना था हेल्दी और जैसे कि ब्रेस्ट फीड करवाना पड़ता है तो इस वजह से आपको पता ही है कि सोच समझ के बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें ही खा पाती है मदर्स, न्यू मॉम्स। तो सबवे इसलिए मंगाया, मल्टीग्रेन व्हीट का मतलब इसका ब्रेड होता है, अंदर की स्टफिंग जो लिया है मैंने बिल्कुल वेजीज वगैरह लिया है, तो हेल्दी बनाया है, हेल्दी है सबवे का। खाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट, इसके बाद मम्मी साथ में कर रही है लंच की तैयारी। तो गाइस, आज का हम मेरा स्पेशल लंच, जिसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ प्याज। फिश फ्राई है और ये जो है गाइस, ये है मछली का अंडा, तोड़ के दिया गया है, पूरा नहीं है आधा है,
परवल, नींबू चावल और चिकन करी। हेलो जमाई बाबू। जमाई बाबू आ गए हैं ऑफिस से और आज इनकी बहुत सारी खातिरदारी होगी। आने के बाद इनको चाय सर्व कर दिया गया था और फिर इन्होंने नींद भी ले लिया, क्योंकि अब इनका बच्चा भी है तो इस वजह से ये रात को नींद बिल्कुल नहीं ले पाते हैं, दिन में भी नहीं ले पाते हैं। जगना होता है क्योंकि हम लोगों को आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स में मैं फोकस कर रही हूँ। ध्यान से देखिए, ये हालत हो जाती है जब नए नए पेरेंट बनते हैं। कल कितने? 5, 6, 7, 8, 9। कल ली थी 5 घंटे की नींद, काफी होती है फिर भी वो। आज लिए 3 घंटे की नींद, ठीक है 3 घंटा इज कम, बट 5 घंटा सो है उसमें ये है कि हाँ, तो 24 घंटे में एक बंदे को 6 से 7 से 8 घंटा लास्ट सोना चाहिए हेल्दी। लिटरली मैं बता रही हूँ, जब लॉकडाउन था तो उसमें मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा अपना शेड्यूल ख़राब किया था, और जिस वजह से मेरे को PCOD और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इंसोमेनिया जैसे प्रॉब्लम्स वगैरह मेरे को फेस करना पड़ा, क्योंकि रात रात भर जगती थी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे, और दिन में सोती थी। इन सब चक्करों में मैंने अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब करी थी बीच में। तो धीरे धीरे करके ना, मतलब ऐसी जब बीमारियां हमें होती है ना गाइस, तो वो ना कहीं उसका 1% रह जाता है जब हम नॉर्मल उसमें आ जाते हैं, बट उसके बावजूद उसका थोड़ा बहुत देखो साइड इफ़ेक्ट्स रह जाते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है मेरी बॉडी के साथ में। तो इस वजह से जब मैं मतलब 7-8 घंटे की नींद नहीं लेती तो मेरे पूरा सर का ये वाला हिस्सा, कभी आधा सर दर्द करता है। बट अब धीरे धीरे बेबी होने के बाद ना मैं देख रही हूँ, जैसे कि हम 3 से 4 घंटे 5 घंटे इस तरीके से नींद ले रहे हैं, और अभी जैसे मैं अपने लीव पे हूँ, मैटरनिटी लीव पे, तो दैट्स वाई मैं थोड़ा इवनिंग में दोपहर को का मतलब खाना वाना खा के इसको लेकर के लेट जाया करती हूँ, तो तब भी मुझे नींद आ जाती है। तो बेसिकली अब मैं अपनी नींद ऐसे करके पार्ट वाइज ले पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है नींद लेना। निक का तो ऑफिस है तो वो अभी कम ही नींद ले पाता है, तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन अभी हमारा चल रहा है, और आई थिंक ये अभी काफ़ी टाइम तक चलेगा। आप लोग बताइए कि बेबी अपना जो स्केड्यूल है वो कब सही करते हैं, स्लीप साइकिल कब वो ठीक करते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। आई होप कि मतलब आफ्टर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स वो धीरे धीरे करके हैबिट डाले कि रात को सोए। अभी उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, स्लीप साइकिल नहीं है, कोई भी साइकिल नहीं है। हर 2-3 आवर्स में फीड कराना पड़ता है, उसके बाद फिर बेबी सोता है अगले 2-3 घंटे के लिए, तो हर टाइम 24 घंटे बच्चे के लिए अवेलेबल होना ही पड़ता है। तो हमारे जमाई राजा यहाँ खाने के लिए बैठ गए हैं, वो जीन्स हटाना जरा, ये जीन्स भी आ रहा है साथ में। तो गाइस ये रही उनकी कुछ प्लेट, आप देख सकते हैं, ये रहा मेरी भी यहाँ साइड में रखी हुई है। खाने में क्या क्या है आज स्पेशल वो सब आपको दिखाते हैं। की प्लेट आप देख सकते हैं जिसमें चावल और कुछ 5 टाइप्स की भुजिया मैंडेटरी, भिंडी, आलू, माच भाजा, फिश फ्राई, साग और परवल की भुजिया। तो सब्जी में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चिकन लेग पीस, मटन, और ये है माछेर माथा। वाओ, इसको तो ऐसे करके फोकस करके शूट कर रही हूँ। सो गाइस ये क्या है, ये आपको गैस करना है, ये है चिंगड़ी, प्रॉन्स। बंगाली में बोला जाता है झींगा, नहीं सॉरी, बंगाली में बोला जाता है चिंगड़ी, झींगा बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में बोले तो प्रॉन्स क्या बोलते हैं? उलुलुलु। ये है आम की खट्टी मीठी चटनी, पता था तुम्हें ये बात? ओहो, बंगाली हो चुके हो मतलब तुम। और ये आप देख सकते हैं, ये है काला गुलाब जामुन, सफेद गुलाब जामुन, एक और गुलाब जामुन, और ये दोनों संदेश, साथ में है मिष्टी दही और चम्मच, हटा दो चम्मच, रसगुल्ला। ये रहा हमारे 5 टाइप के फ्रूट, जिसमें आम, पपीता, लीचू, वाटरमेलन, मास्क मेलन।
थोड़ी देर के बाद खाने की रिव्यू देना है तुम्हें और बताना क्या क्या अच्छा लगा तुम्हें खाने में। अच्छा लगता है हमेशा, हमेशा खाना अच्छा लगता है यहाँ पर। मम्मी के हाथ में, मम्मी के हाथ में अन्नपूर्णा माता है। सभी माताओं के हाथ में अन्नपूर्णा माताएं होती है। ये रही मेरी अन्नपूर्णा माता। सो गाइज हम जा रहे हैं अब घर। बाय बाय। ये दे दो मम्मी को। हैप्पी जमाई षष्ठी। अब इसको भी देके जा रहे हैं क्या जमाई षष्ठी में गिफ्ट? तो गाइज अब हम जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से रहा हमारा आज का दिन। आई होप आपको अच्छा लगा हो देख के। इतने अच्छे हो रखे हैं आज तो खाना ऐसे खाया ना, पेट इतना सारा खाने के बाद में नींद बहुत ज्यादा आ रही है। ये हमें सोने कहाँ देगा। बट बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।